भदोही के ज्ञानपुर से निर्दलीय विधायक बाहुबली विजय मिश्रा को रंगदारी मांगने के मामले में मिर्जापुर के सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां सीजीएम कोर्ट ने रंगदारी मामले में बाहुबली विजय मिश्रा को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वहीं कोर्ट से बाहर निकलने के बाद विधायक विजय मिश्रा ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी हत्या कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि विंध्य रेंज के आईजी और भदोही के एसपी ने पैसा लेकर फर्जी केस में फंसाया है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भदोही में जितने भी अपराधी हैं, उनसे कई करोड़ रुपए लेकर उनको गनर उपलब्ध कराए गए हैं। आरोप क्या है कि आईजी एसपी जो है पैसा लेकर फर्जी केसों में फंसाए हमारी हत्या करना चाहते हैं, और यही नहीं कई करोड़ रुपया लेके जितने अपराधी हैं भदोही में सबको गनर आईजी और एसपी भदोही ने दिया। क्यों फंसा रहे हैं, कारण क्या? पैसा लिया हुआ है कई करोड़ रुपया, 400 करोड़ रुपया ले चुके हैं पुलिस वाले। सरकार हमारी हत्या कराना चाह रही, इससे ज्यादा क्या होगा, फांसी का सीएम योगी। वही वकील आशुतोष अग्रवाल ने बताया कि बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस मामले में अब पुलिस जांच करेगी। विजय मिश्रा जी विधायक जो आगरा में दूसरे मुकदमा अपराध संख्या में बंद है, उनकी पेशी आज यहाँ पे हुई थी। यहाँ पे केस टाइम नंबर 125 सन 20 का धारा 386 120 बी में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें उनकी आज पेशी की हुई थी, रिमांड हुआ था। अभी रिमांड लेने के बाद वापस इनको आगरा जेल ले जाया जाएगा। तो क्या इस केस में क्या प्रगति, क्या इस केस में प्रगति? कुछ नहीं, अभी तो केवल उनके रिमांड लिया गया है, अब इन्वेस्टिगेशन चलेगा। उनके खिलाफ एलिगेशन ये लगाया गया है कि विंध्याचल में एक पंडा से उन्होंने जेल में रहते हुए कुछ रंगदारी मांगा था, उसी का एलिगेशन इनके खिलाफ लगाया। तो लोकल पुलिस ने रिमांड लिया है या फिर नहीं? आगरा पुलिस लेकर के आई है इनको, यहाँ पे सीजन साहब उन्होंने तलब करके इसको बुलाकर कोई तारीख वगैरह कोर्ट के तरफ से? तारीख का वो जुडिशियल रिमांड वो 14 दिन की वो देंगे, उसके बाद फिर आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगा इस केस में। आपको बता दें कि विधायक विजय मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपने शूटरों के माध्यम से 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। इस मामले में विजय मिश्रा सहित दो लोगों पर मुकदमा दर्ज है। मिर्जापुर से ब्रिज मौर्य की रिपोर्ट।